हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रैंडम मोनो यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं कि पिच शिफ्ट कैसे काम करता है और पिच शिफ्ट टूल क्या होता है। तो अगर आप नहीं जानते हैं, ये चैप्टर 15 है और इसके पहले जो चैप्टर्स मैंने पढ़ा है उसे भी ज़रूर देखेगा, देयर आल्सो इन्फॉर्मेटिव। चलिए देखते हैं कैसे काम करता है पिच शिफ्ट और क्या काम होता है पिच शिफ्ट का इंट्रैक में। तो पहले जहाँ से आप नॉर्मली इफ़ेक्ट्स लोड करते हैं वहाँ पे आपको ओपन करना है ट्रैक का मिक्सर टैब, इफेक्ट ट्रैक बोलते हैं इसे। और अगेन यहाँ पे इफ़ेक्ट लोड करने की जगह जहाँ पे होती है वहाँ पे हमें प्लस टैब करके इफ़ेक्ट लोड कर लेना है। पिच शिफ्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है, इसको ओपन करना है। और यहाँ पे सिर्फ एक कंट्रोल मिलता है, ओनली वन कंट्रोल और कुछ भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कॉमन कंट्रोल्स आप सभी को पता है, ऑन ऑफ बटन, प्रीसेट्स और सेव प्रीसेट, डिलीट प्रीसेट, ठीक है। और ये है एक कंट्रोलर बटन। तो चलिए देखते हैं कंट्रोल जो हमें करना होता है वो क्या होता है। एक्चुअली यहाँ पे आपको एक यूनिट दिखेगी सेमिटन्स, ये है पिच की सेमिटन, यानी आप पिच को हाई और लो कर सकते हैं। पिच हाई करना मतलब अपने साउंड को कुछ हनी और चिपमंक साइड बना रहा, और पिच लो करना यानी कि अपनी आवाज़ को थोड़ी सी घोस्टली बनाना, यानी भोतिया टाइप के, लाइक दिस भी आप सुने। अभी आप जो सुन रहे हैं ये बिल्कुल भूत की आपको सुनाई दे रही होगी, क्योंकि पिच शिफ्ट में यहाँ मैंने 8 सेमिटन्स डाउन कर दिया। अब कुछ लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि सेमिटन क्या होता है, हमें कैसे पता चलेगा हमें कितने सेमिटन डाउन करना है आप करना है, ठीक है। तो अपने करना ये है कि अपना कीबोर्ड ओपन करना है और यहाँ पे देखें, यहाँ पे आपको सेट दिखता है, यहाँ से लेके इतना एक सेट होता है जिसे हम एक ऑक्टेव कहते हैं। और एक ऑक्टेव में 12 सेमिटन्स होते हैं और 12 कीज होती हैं, यानी इस की और इस की के बीच एक सेमिटन का डिफरेंस है, इसकी और इसकी के बीच सिर्फ एक सेमिटन का डिफरेंस है, इसकी और इसकी के बीच 2 सेमिटन्स, इसकी और इसकी के बीच 2 सेमिटन्स, इसकी और इसकी के बीच 1 सेमिटन्स। तो यह सेमिटन्स का फंडा, सेमिटन्स एक पर्टिकुलर गैप होता है फ्रीक्वेंसी का, कुछ फ्रीक्वेंसीज के बाद जो पिच है वो हाई होती है और एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के बाद दूसरी की लग जाती है और उसी की को हम कहते हैं एक सेमिटन या हाफ टोन भी आप इसे बोल सकते हैं। हाफ टोन का ये या सेमिटन के दोनों को ही पिच नापने के लिए यूज़ किया जाता है। और पिच जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा आपका जो फॉर्मेंट है वो भी होगा, फॉर्मेंट मतलब आवाज़ को ऐसा करना, यानी सॉ टूथ जो फ्रीक्वेंसी टाइप है वहाँ पे आप साउंड को ले जाता है। और पीछे लाना मतलब थोड़ी सी भूतिया होगी, आपने सुन भी लिया है जब मैं यहाँ पे पीछे ये ठीक है, आपने बहुत ही घोंसली साउंड सुन ली। और अगर मैं आगे कर दूँ तो मेरी वॉइस आपको टॉकिंग टॉम जैसी सुनाई देगी, टॉकिंग टॉम शायद आप लोगों को बताओ एक गेम टाइप के, ठीक है। तो चिपमंक आप कह सकते हैं, तो आप अगर चिपमंक इफेक्ट बनाना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं, भूतिया इफेक्ट बनाना चाहते हैं इसका यूज़ कर सकते हैं। और इसका यूज़ एक जगह और होता है जहाँ पे आप कह रहे हो कि ट्रैक्स यूज़ करते हैं रिकॉर्डिंग के लिए, ठीक है, तो आपके स्केल में नहीं होता है तो आप यहाँ से उसकी पिच को हाई या लो कर सकते हैं जिससे वो ट्रैक आपके स्केल में आ जाए और बेसिकली उस पर वॉइस ओवर कर पाएँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा पिच शिफ्ट क्या काम करता है, कैसे काम करता है। अब भी कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये भी बताइएगा आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, कोई बेहतर उपाय अगर आपके पास हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।